तो चलो डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर्स जो सबसे इसकी प्यारी है, TFT डिस्प्ले, ठीक है ना। और इसकी जो आपको ये लाइट मिलती है, सबसे प्यारा लगता है इसमें देखने पे। आप देख सकते हो उसको साइड से, सबसे प्यारा लगता है इसका मॉडल। और ये 390 के मॉडल में ही आपको ये लाइट देखने को मिलती है इस टाइप की। और ये TFT डिस्प्ले भी, इससे जो नीचे के मॉडल हैं उसमें आपको ये TFT डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। TFT डिस्प्ले में आपको सारी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रिप सेट करना, ट्रिप टाइम, डेट एंड ब्लूटूथ वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो ईजिली अपने बाइक मोबाइल और बाइक का। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ये स्क्रीन टच नहीं है, मतलब आप इसको स्क्रीन से टच नहीं करके कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको कंट्रोल करना होगा, तो आपके बटन दिए गए, इसके ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसको पहले बंद करते हैं, आपको एक बार चालू करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें लिख के आता है रेडी टू रेस, और यहाँ पे अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है अभी गाड़ी सर्विस पे है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो डिस्प्ले होती है, टच स्क्रीन नहीं है इसमें। जो भी आपको कंट्रोल करनी होती है आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। और अभी आपको यहाँ पे कुछ बबल दिख रहे हैं, वो इसलिए बबल हैं क्योंकि मैंने इसको जो टेम्पर लगाया था वो इसका सही से फिट नहीं हुआ था, इस वजह से। चलो इसको कंट्रोल करते हैं, देखते हैं। पहले यहाँ पर सेट, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये इंटरफेस शो हो जाएगा बाइक का। और यहाँ पर सबसे पहले KTM माई राइड, इस पर चलते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करो, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आता है। यहाँ पे ऑडियो एंड पेयरिंग, तो इससे क्या होता है, आपका ऑडियो जो आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हो, ये उसके लिए होता है। यहाँ से आप अपने मोबाइल को और जो आप ब्लूटूथ वगैरह कुछ लगाए हो तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिप एंड डेटा पे आते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आप अपनी ट्रिप सेट कर सकते हो 1, 2, 3, एंड यहाँ पर वार्निंग शो करता है आपकी जो भी जो वार्निंग। अभी देखो यहाँ पे एक तो सर्विस के लिए गाड़ी है और प्लस साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो इसके लिए दो वार्निंग शो कर रहा है, एक सर्विस एक साइड स्टैंड का। यहाँ पे आपको सारी वार्निंग शो करता है। और अब चलते हैं ट्रिप में, यहाँ से आप अपनी ट्रिप सेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देख सकते हो इतने किलोमीटर शो कर रहा है। इसको जीरो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट है ना, इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे सारी ट्रिप जीरो हो गई हैं। अब आप इस ट्रिप को लगा सकते हो, यानी जब भी आप जाओ तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, सारा टाइम वहाँ पे शो करता है। अब आते हैं मोटरसाइकिल पे, यहाँ पे आपका ABS, आप रोड पे या सुपर मोटो, इसमें डिफरेंस होता है। रोड में क्या रहते हैं, आपके दोनों डिस्क प्लेट होते हैं वो ऑन हो जाते हैं, सुपर मोटो में बंद हो जाते हैं। जैसे आप कभी स्टंट वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए हेल्पफुल रहता है सुपर मोटो में करके। अब बैक चलते हैं। क्विक शिफ्टर, इसको आपको ऑन या ऑफ करना है। क्विक शिफ्टर में मीन्स जब आप बाइक चलाते हो तो बिना क्लच यूज करे आप गियर अप एंड डाउन कर सकते हो, तो उसके लिए इसको मेरे में ऑन रखा है। और वो आपको अगर ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अब बैक चलते हैं, आते हैं इसके सेटिंग पे। सेटिंग में आप जा सकते हो फेवरेट में, जो भी आपको अपनी चीज़ें स्क्रीन पर लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। जो मेन स्क्रीन होती है वहाँ पे आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे सेट करनी हो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और फिर आते हैं यहाँ पे क्विक शिफ्टर 1 एंड 2, यहाँ से ब्लूटूथ, जो आप मोबाइल का ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। अब आ जाओ और डिस्प्ले थीम में आपको क्या रखना है, नाइट मोड पे रखना है। जैसे अभी आप देख सकते हो मेरा डिस्प्ले डार्क है, ठीक है। और जैसे आप ऑटोमेटिक में करोगे तो यहाँ पे क्या करें, पूरा जो दिन होता है ना, दिन के टाइम पर जो ब्राइटनेस रहती है आपके, वो ऑटोमेटिकली ले लिया करेगा। तो मैं तो नाइट मोड पर ही रखता हूँ इसको। अब आ जाइए और शिफ्ट लाइट, ठीक है, ये अभी ऑन है। अब आ जाइए क्लॉक एंड डेट पे, यहाँ से आप अपनी टाइम सेट कर सकते हो कि अभी देख सकते हो यहाँ पे टाइम और डेट देख सकते हो यहाँ से, जो आपको चेंज करना है, ठीक है। यूनिट्स हो गया है, डिस्टेंस, फ्यूल आइकन, यहाँ पे आपको मतलब कि कौन आपको जो आइकन है वो किस में चाहिए, किलोमीटर पर लीटर चाहिए, किस में चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर आ जाइए लैंग्वेज में, सर्विस पे, अभी सर्विस पे देख सकते हो 241 एक्स्ट्रा चल चुकी है गाड़ी। अब इसको बैक करते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन में देखते हैं KTM माई राइड। बस जो भी TFT डिस्प्ले के थे वो यही सारे फंक्शन थे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रिप दिखाई देती है, ट्रिप टाइम, डेट एंड बैटरी दिखाई देती है, यहाँ पे टाइम एंड ब्लूटूथ, और यहाँ पे आपकी स्पीड होती है। और बस पूरा यही फीचर्स हैं जो भी इसके TFT डिस्प्ले के हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो।